एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में एक बहुत ही ह्यूज पर्पल हॉल। बड़ा सा डब्बा मुझे दो तीन दिन पहले ही रिसीव हुआ है और ये जो पर्टिकुलर हॉल है ये शेयर करने में मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज बहुत सारी न्यू लॉन्चेस मुझे रिसीव हुए हैं, उन्हें ट्राई करना है मुझे, आप लोगों के साथ में शेयर करना है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ ये पर्टिकुलर पर्पल के प्रोडक्ट्स रिसीव करने के बाद में। कुछ प्रोडक्ट्स पे ऑफर वगैरह होगा अगर, या कुछ कूपन कोड्स वगैरह होंगे तो सब आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। हर एक प्रोडक्ट की लिंक जो कि डिस्काउंटेड प्राइस वाले लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे बॉक्स में ये कुछ पाउडर्स दिख रहे हैं आल गुडनेस के, मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। और मुझे इस टाइप के पाउडर्स बहुत पसंद है रिसीव करना क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा DIY करती हूँ, तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक और है, मैं वन बाय वन आपको सारे दिखाती हूँ और ये सारे आल गुडनेस की हैं एंड आई थिंक आज आल गुडनेस में शायद फ्लैट 20% ऑफ है और मेरा एक कूपन कोड मैं लिख दूंगी नीचे, वो यूज़ करेंगे आपको तो आपको 20% ऑफ के साथ साथ एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो अगर आप चाहें इनमें से कोई भी प्रोडक्ट या इनमें से कोई भी पाउडर लेना तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है और मुल्तानी मिट्टी पाउडर मैं ऑलरेडी इनका यूज़ कर रही हूँ, मैंने रिसेंटली अभी दो तीन DIYs भी मेरे मेन चैनल पर शेयर किए थे इनका मुल्तानी मिट्टी पाउडर यूज़ करके। एक्चुअली आल गुडनेस का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, जैसे कि ये जो मेरे पास में अभी मुल्तानी मिट्टी का ये है पाउडर का पैकेट है ये 55 रुपीज़ का, इसमें आप 20% ऑफ प्लस मेरा 10% ऑफ कर दीजिए तो आपको कितना सस्ता 30 रुपए के अराउंड आपको ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिल जाएगा, जो कि बहुत अफोर्डेबल रेंज होती है आल गुडनेस की और अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल के नाम पर वो आपको कुछ भी पैकेट में भर के दे देंगे। सो पहला है मेरे पास में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, देन सेकेंड है मेरे पास में बर्गंडी नेचुरल हिना पाउडर। ये नेचुरल हिना पाउडर है और मैं होपफुली शायद कल ही इसका यूज़ करके हेयर पैक बनाने वाली हूँ और आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैं इसे यूज़ करने में बहुत एक्साइटेड हूँ, अगेन ये भी बहुत अफोर्डेबल है, ये 80 रुपीज़ का है, इसमें भी आप 30% ऑफ करेंगे तो आपको 60 और 50 रुपये के आसपास में ये मिल जाएगा। 50 ग्राम का प्रोडक्ट है, इससे क्या होगा आपके बालों का जो कलर है वो नेचुरली बर्गंडी कलर आएगा। सो मैं इसको कल ट्राई करने वाली हूँ। इसकी क्वालिटीज़ कुछ लिखी हैं जिसमें की है ये इम्पैक्ट्स रिच कलर टू योर हेयर, हाइड्रेटिंग, कंडीशनिंग एंड रिपेयरिंग, हैज़ नेचुरल एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज दैट वर्क टू कूल एंड सूदन योर स्कैल्प, 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल और सारे हेयर टाइप के लिए है, क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप। बहुत अच्छी चीज़ है, 50 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये है हिबिस्कस पाउडर, जैसे कि स्किन और हेयर के लिए दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और ये बहुत रेयर है, बहुत इजीली नहीं मिलता है हिबिस्कस पाउडर। सो बालों के लिए तो बहुत अच्छा है और स्किन को क्लिंस करने के लिए, अगर आपको पिंपल एक्ने वगैरह के इश्यूज हैं तो उसे ठीक करने के लिए, स्किन को डीपली क्लिंस करने के लिए हिबिस्कस बहुत अच्छा होता है, तो ये हिबिस्कस पाउडर है। देन इसके बाद में आंवला पाउडर है, आंवला पाउडर मैं हेयर पैक्स जो बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इनका आंवला पाउडर मैंने पहले आई थिंक ट्राई नहीं किया है, सो मैं ये जरूर ट्राई करना चाहूंगी। देन इसके बाद में अंबा हल्दी पाउडर, अंबा हल्दी पाउडर का मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कुछ अफोर्डेबल आपको बताऊं, तो ये लो मिल गया अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल है, ये है 99 रुपीज का अंबा हल्दी का, आई थिंक 50 ग्राम का प्रोडक्ट है, यस 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और मैं आज ही इसे ओपन करके यूज़ करने वाली हूँ। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पेनफुल पिंपल हुआ है, उसे ट्रीट करने के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी और मे भी आपको एक दो दिन में मेरे व्लॉग में ही इसका मैं रिव्यू दे दूंगी कि ये कैसा है। एंड नीम पाउडर, नीम पाउडर फेस के लिए, मतलब फेस पैक और हेयर पैक दोनों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये सारे जो अफोर्डेबल पाउडर्स हैं ना ये ले लेने चाहिए क्योंकि कभी ना कभी ये यूज़ आते ही हैं और ये नेचुरल चीज़ों से बना करके यूज़ करने की बात ही अलग होती है। देन ये तुलसी पाउडर, तुलसी पाउडर अगेन छोटे छोटे जो दाने आप लोग कमेंट करते हैं ना कि दी बहुत छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं चेहरे पर, उसके लिए ये जो तुलसी पाउडर होता है ये बहुत अच्छा होता है। तुलसी पाउडर को थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर नॉर्मल वाटर में भी मिक्स करके लगाने से जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। देन सैंडलवुड पाउडर, सैंडलवुड पाउडर मैंने यूज़ किया हुआ है इनका और ये अच्छा है, मेरे पास में पहले भी एक पैकेट आया था और मैंने मेरे DIYs में ही यूज़ करके आपके साथ में शेयर किया है। फुल बॉडी
बॉडी पैक मैं इसका बनाती हूँ. देन एलोवेरा लीफ पाउडर, अगेन समथिंग डिफरेंट, और यूज़ करने में मज़ा आएगा. एंड मस्ट बाय है, ओनली 70 रुपीज़ का है, तो आपको 40 और 50 रुपये के आसपास मिल जाएगा. देन लास्टली ये है रोज़ पेटल पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, जिसे आप अपने फेस पैक के लिए, हेयर पैक के लिए, बॉडी पैक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. आज बहुत अच्छा ऑफर है, तो ग्रैब इट. अगर आपको चाहिए तो आप ये ज़रूर देखें. सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेरे पास में ये टोटल 1, 2, 3 मुझे 5 आई पेंसिल्स रिसीव हुई हैं, जो कि एस क्यू की है. वैसे मैंने ये जो आई मेकअप किया है बहुत ही सिंपल सा, इसको भी मैंने सिर्फ एस क्यू के काजल से ही किया है. सो एस क्यू के काजल मुझे बहुत पसंद है. सो पहला जो है ये है ब्रॉन्ज काजल, ये ब्राउन कलर का काजल है. तो आपको ना स्वॉच करके भी दिखाती हूँ कि पिगमेंटेशन वगैरह कैसी है इसकी. रिंग इसकी कुछ ऐसी है, मैं आपको इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ. ये ऐसे ऊपर आएगा, वाओ बहुत ही प्यारा कलर है इसका ब्रॉन्ज. ये देखिए जो थोड़ा मेटालिक ब्राउन होता है कुछ वैसा कलर है, बहुत पिगमेंटेड है. सो अच्छा लगा मुझे ये. सो बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा लग रहा था ये ब्राउन शेड होगा, बट ये मेटालिक ब्राउन होता है जो वो वाला शेड है. ये बहुत मज़ा आने वाला है यूज़ करने में. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा फर्स्ट शेड. देन जो सेकेंड शेड है ये है ग्रीन काजल. आपको अगर इन सारे काजल्स पे इंडिविजुअल वीडियो देखना होगा, लाइक स्वॉचेस, ड्यूरेबिलिटी, सारी चीज़ें, तो मुझे बताना. सो नेक्स्ट है ये डार्क ग्रीन कलर का आई पेंसिल, ये भी मुझे लगता है मेटालिक ही होगी. ये एस क्यू बैड एस आई पेंसिल्स हैं. इसके बाद में ये कॉपर कलर का काजल है, वाओ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे साउंड कर रहा है ये, और ये भी यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा. अगर आपको इनके स्वॉचेस देखने होंगे तो मुझे ज़रूर बताना. देन नेक्स्ट है ये है पर्ली काजल, सो आई थिंक ये वाइट काजल होगा. एंड देन उसके बाद में ये है ब्लू काजल, और मैं इसका रेट बता दूँ आपको, 175 रुपीज़ है. और आप लोगों को पता है कि एस क्यू में हमेशा कितने डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो ये आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा, और बहुत ड्यूरेबल होती है एस क्यू बैड एस के जो काजल होते हैं वो. अब नेक्स्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था देख करके कि कुछ ऐसा लॉन्च किया है एस क्यू ने. तो मेरे हाथ में है एस क्यू के 4 आई पैलेट्स, और बहुत ही खूबसूरत आउटर पैकेजिंग वगैरह. ये देखिए आउटर पैकेजिंग इसकी कुछ ऐसी है, और अंदर से ये कुछ ऐसा है. 4 शेड्स हैं. अगर आपको पता हो तो शुगर के भी जो आई शेडोज पैलेट्स होते हैं उसका भी कुछ इसी तरीके की पैकेजिंग होती है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक पैकेजिंग है, ये मैग्नेटिक पैकेजिंग है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है. तो आई थिंक शुगर से इंस्पायर हो गए इन्होंने इनकी पैकेजिंग ऐसी की है, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्टर्डी है. यहाँ पर आपको मैग्नेट मिल रहा है, 4 शेड्स है, सारे शेड्स मेटालिक है, कोई भी मैट शेड नहीं है. अगर मैं इसका आपको स्वॉच दिखाऊं, वाओ बहुत पिगमेंटेड है. मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने मैंने इस पर अपनी फिंगर लगाई, अभी तक के मैंने इसे नहीं लिया था. अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ये देखिए. सो बहुत जल्दी आप वीडियो देखेंगे मुझे इसे यूज़ किए हुए. सो ये है एक पैलेट, मुझे टोटल 4 पैलेट्स रिसीव हुए, एंड आई थिंक इनके 6 या 7 पैलेट लॉन्च हुए हैं, 6 या 7 शेड्स लॉन्च हुए हैं, मैं श्योर नहीं हूँ. ये है पैलेट नंबर 4. देन मुझे ये एक और पैलेट नंबर 3 भी रिसीव हुआ है, मतलब आई थिंक सिर्फ 4 ही लॉन्च हुए होंगे मुझे, 1, 2, 3, 4 सारे रिसीव हुए हैं. यस, तो 4 पैलेट्स इनके लॉन्च हुए हैं, जिसमें से जो आपने अभी देखा वो 4th था. देन जो 3rd पैलेट है इसमें, वाओ बहुत ही प्रिटी शेड्स हैं. ये देखिए बी माई विंक आई शेडो पैलेट इनका नेम है. ये परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए. अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइट ब्राउन, गोल्डन, पीच, डार्क ब्राउन, इस टाइप के शेड्स है, तो ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट पैलेट है. पैलेट नंबर 1 देखना चाहें तो देख लीजिएगा. एंड देन एट लास्ट ये है पैलेट नंबर 2. इसमें भी बिगिनर फ्रेंडली ही शेड्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट शेड्स नहीं है. अब इसके बाद में मुझे ये एक गुड वाइब्स का फेस वॉश रिसीव हुआ है, जो कि वैनिला एंटी एक्ने फेस वॉश है. ये देखिए एंटी एक्ने मतलब एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा होगा, नो पैराबिन और क्रुएलिटी फ्री, ये सारी चीज़ें हैं. फिर इसके बाद में मेरे हाथों में है पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसमें कि SPF भी है. मैं एक ओपन करके आपको इसका, ये शेड नंबर 1 है,
मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी स्टर्डी पैकेजिंग है। यहाँ पर आपको मिरर मिल रहा है और बहुत हाई क्वालिटी मिरर है। मुझे मेरा फेस बहुत अच्छे से दिख रहा है इस पर, बहुत हाई क्वालिटी मिरर है ये देखिए। देन ये आपको एक पफ मिलेगा एंड ये है प्रोडक्ट। सो अच्छा लगा मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत। मिरर, बिलीव मी, इसका मिरर बहुत अच्छा है। आप अकेला ये मिरर भी अपने, मतलब ये कॉम्पैक अपने बैग में कैरी करेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा मिरर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा है इसका मिरर, एकदम क्लियर क्वालिटी। अच्छा है ये। यस, इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसा कॉम्पैक चाहिए जो थोड़ा कवरेज दे, तो ट्राई दिस। ये अगेन मुझे थोड़ा सा जो शुगर का कॉम्पैक है ना, उसके जैसा ही लग रहा है ये, मतलब इसका कवरेज वगैरह और सारी चीजें, इसका जो फॉर्मूला है वो भी। सो ये है शेड नंबर 1। ये आप जरूर देखिएगा, अगर आपको अभी कॉम्पैक चाहिए तो ट्राई दिस वन। ये है शेड नंबर 4 कैफिन, जो थोड़े से डार्कर स्किन टोन के लिए। एंड ये है बेज, थोड़ी मीडियम, जैसे कि जो मेरे स्किन टोन है उसके लिए बेज शेड। सो ये 3 शेड्स रिसीव हुए हैं मुझे पर्पल के कॉम्पैक के। आप जरूर चेक करिएगा, मैं इसके लिंक्स दूंगी, क्योंकि ये अगेन वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। अब एक और न्यू लॉन्च है मेरे हाथों में, जो कि है पर्पल का माय बेस फ्रेंड फॉरएवर प्राइमर, मतलब पर्पल का प्राइमर है। और इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी प्रिटी पैकेजिंग है। ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का जो प्राइमर होता है। मुझे एक्चुअली इसकी पैकेजिंग देख के मुझे लग रहा था थोड़ा सा जो टिंटेड प्राइमर्स होते हैं ना, ये कुछ मुझे वैसा लगा था, बट ये टिंटेड नहीं है। देन इसके बाद में मुझे पर्पल के ये 2 आईलाइनर्स रिसीव हुए हैं, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जो फर्स्ट वन है ये है थिक एंड थिन वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा, एंड जो सेकंड वन है ये है कर्लिंग एक्सटेंडर लैश मस्कारा। दोनों ही मस्कारे डिफरेंट है, दोनों ही मस्कारे का जो यूज है वो डिफरेंट है। जैसे कि मेबलिन का आपने देखा होगा 10 तरीके के मस्काराज आते हैं, तो वैसे ही पर्पल ने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मस्कारा लॉन्च किया है। मैं आपको दोनों ही ओपन करके दिखाऊंगी और हम दोनों की पैकेजिंग देखते हैं। ये देखिए दोनों की पैकेजिंग कुछ ऐसी है, एंड ये है फर्स्ट वन, ये देखिए, एंड ये है सेकेंड वन। इसका एप्लीकेटर थोड़ा थिक है उसके पहले वाले के कंपैरिजन में। सो ये 2 मस्कारा न्यू लॉन्च हुए हैं। देन ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, अब आप बोलो या ना बोलो, इस पर तो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाली हूँ। ये है लिप लाइनर्स, NYBA के लिप लाइनर्स है। एक मैंने ऑलरेडी ओपन करके लगाया भी था, बट आई डोंट नो, ये तो पिंक है, वो रेड टाइप का शेड था और वो अच्छा लगा मुझे। उसकी ड्यूरेबिलिटी, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे वो दिख जाए तो मैं आपको एक बार स्वॉच करके दिखाऊँ, क्योंकि अब इनमें से कोई नया ओपन करना अगेन अपने आप में एक टास्क होगा मेरे लिए फिलहाल। ये है वो वाला, मैं बाकी सारे रख देती हूँ। मुझे टोटल 5 शेड्स रिसीव हुए हैं NYBA के ये जो लिप लाइनर है इसकी। तो आउटर पैकेजिंग ऐसी है, इनर पैकेजिंग ऐसी है। बहुत अफोर्डेबल है, 100 की रेंज में मिलेगा आपको ये। बहुत सारा प्रोडक्ट आता है इसमें, प्लस सुपर से भी ऊपर पिगमेंटेड है ये देखिए, ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो ये प्रोडक्ट भी ऐसा है जो कि डिजर्व करता है कि इस पर इंडिविजुअल वीडियो बने, तो मैं इस पर बहुत जल्दी आपको एक इंडिविजुअल वीडियो देने वाली हूँ। लिप लाइनर NYBA का जो लिप लाइनर है वो, अगर आपको अभी शेड्स और रेट वगैरह देखना है तो सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये है मेरे हाथों में डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर, और मुझे जब ये पहला रिसीव हुआ मैंने ये वाला सबसे पहले लिया, तो मुझे लगा ये शायद लिपस्टिक है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, देखिए कितनी रिच पैकेजिंग है इसकी, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो। बट ये लिपस्टिक नहीं थी, ये कंसीलर करेक्टर, ये सारी चीज़ें, मतलब आप इसे एस, ये तो ऑरेंज करेक्टर है, जो लाइट शेड्स है वो कंसीलर है, थोड़े से इसमें ये कॉन्टोर वाले शेड्स भी हैं, चाहे तो एस फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने ये ओपन किया था ऑरेंज करेक्टर, और मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ। ये बहुत प्रिटी, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे ऐसा लगा इसको तो एज लिपस्टिक भी यूज किया जा सकता है। ये देखिए ये है ऑरेंज करेक्टर, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने लगाया, कितना प्रिटी ऑरेंज करेक्टर है, मुझे तो ऐसा लगा इसको लिपस्टिक के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। और अब देखिए इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से जो ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड होता है ना, वैसे ये ब्लेंड हो जाता है।
सो मुझे इसमें इतने सारे शेड्स रिसीव हुए हैं, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शेड्स मुझे इसमें रिसीव हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ और भी लॉन्च हुए होंगे शायद, क्योंकि इसमें मुझे ग्रीन करेक्टर वगैरह नहीं दिख रहा है, मुझे सारे इस टाइप के शेड्स ही रिसीव हुए हैं। सो इनकी लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगी। क्यूट पैकेजिंग, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। ये देखिए, ये एक और कंसीलर शेड है, कहाँ करूँ इसे मैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है ये, इवन इस ब्रश से ही अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। सो मैं बहुत जल्दी ये भी यूज करके आपके साथ में एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। अब इसके बाद मुझे सिर्फ ये एक लिपस्टिक इस बार रिसीव हुई है, शेड नंबर है 25, बहुत ही प्यारा शेड है, न्यूट शेड है। न्यूट शेड्स मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये SQ की लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कि मुझे कितनी पसंद है ये वाली। सो ये बहुत ही प्रिटी सा न्यूट शेड मुझे रिसीव हुआ है, ये देखिए, ये है न्यूट बर्गंडी टाइप का, न्यूट ब्राउन टाइप का शेड है ये। कैमरे में थोड़ा पिंक दिख रहा है, बट एक्चुअल आइज मतलब डायरेक्टली देखो तो थोड़ा ब्राउनिश शेड है ये। अब मैं जो नेक्स्ट चीज आपको दिखा रही हूँ, न्यू लॉन्च है, NYBay और SQ दोनों ने ही लॉन्च किया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि अफोर्डेबल रेंज में भी इस तरीके की चीज़ लॉन्च हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये दोनों मेरे हैंड्स में है और मेरे पास इसके सारे शेड्स हैं, लाइक 1 से लेके आई थिंक एक में तो 15 शेड्स है और एक में शायद 13 शेड्स है, मैं आपको साइड में स्क्रीन में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है एक्चुअली कंसीलर, कॉन्टोर और कलर करेक्टर किट SQ की, और ये है NYBay की ही कंसीलर, कॉन्टोर एंड कलर करेक्टिंग किट। मैं दोनों आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें मुझे बहुत सारे शेड्स मिले हैं, वो आपको इंडिविजुअल वीडियो में दिख रहा होगा, एक एक नहीं दिखा सकती। ये देखिए, इसे हम ओपन करेंगे तो ये इसमें 3 शेड्स है, और हर एक शेड में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है। अगर आपको ग्रीन करेक्टर और ऑरेंज करेक्टर नहीं चाहिए, अगर आप चाहते कि आपको नॉर्मल कंसीलर और थोड़े डार्क शेड्स दूसरे मिले, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्स इन लोगों ने लॉन्च किया है, लाइक 1 से लेकर के 15 तक के शेड्स लॉन्च किए हैं। सो जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये शायद 13 नंबर है। इसमें देखिए, ये तीनों शेड्स है, ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर और एक कॉन्टोर शेड है, और इसमें एक ब्रश भी दिया हुआ है, ये वाला ब्रश दिया हुआ है इसमें। ये NYBay का भी लॉन्च हुआ है, कॉन्टोर, कंसीलर और करेक्टर। सो ये देखिए, ये है इसका, ये जो शेड मैंने ओपन किया, एंड आई थिंक इसमें 13 शेड्स लॉन्च हुए हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। ये देखिए, इसमें ये 3 शेड्स दिख रहे हैं, इसमें भी एक ब्रश है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो SQ और NYBay की कॉन्टोर, कंसीलर और कलर करेक्टर की किट लॉन्च हुई है, क्योंकि ये बहुत ही हायर रेंज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ही अभी मार्केट में अवेलेबल है। इसे मैं बहुत जल्दी आपको ट्राई करके, मे बी शायद 1-2 दिन में ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और कैसा है। लिंक्स आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको प्राइस और बाकी चीज़ों के बारे में जानना होगा तो। सो यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा ये हॉल, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और लिंक्स चेक करिएगा, कूपन कोड यूज़ करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा अगर कुछ लेना है तो। मेरे हिसाब से तो आपको वो पाउडर्स ले लेना चाहिए, बहुत अफोर्डेबल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम अगर आए होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।